फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज जो है आप लेसन 17 में, तो फ्रेंड्स इसमें भी आप लोगों को ऐसे ही 17 का भी कुछ ज़्यादा ही पार्ट दे दिया गया है। तो इसमें हम एक एक पार्ट करके वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तुम टहल रहे हो, यू आर वॉकिंग। और चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इसमें जो प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें सिर्फ हम अभी अफर्मेटिव पढ़ेंगे और अफर्मेटिव का ही वीडियो भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव में जो आप लोगों को दे दिया गया कि वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, रानी कमरे में नाच रही है, रानी इज डांसिंग इन द रूम, वह दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, और हम लोग बगीचे की ओर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू द गार्डन। तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि ऊपर के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं, पढ़ रहा हूँ, टहल रहे हैं, दौड़ रहा हूँ, नाच रही है, आ रहा है, जा रहे हैं, इससे बोध होता है इस क्रिया को वक्त रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसी क्रिया का अनुवाद अंग्रेजी में सब्जेक्ट आई रहे तो एम वर्ब लगा करके, और वर्ब में आईएनजी लगा कर, वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहे तो उसमें इज, और वर्ब में आईएनजी सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब आईएनजी लगा कर, यानी जो भी बाकी है। तो और इसी तरह से है, तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव का दे दिया, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, तो यहाँ पर आई एम नॉट शॉटिंग, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग होम, वह अशोक को नहीं पीट रहा है, ही इज नॉट बीटिंग अशोक। तो इसके बाद आपका जो अफर्मेटिव है, जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसका ये ख़त्म हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गया अपना एक्सरसाइज 17। तो यहाँ पे जो 17 में दे दिया गया है कि मैं टहल रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम वॉकिंग, मैं नाच रही हूँ, सी इज डांसिंग, राधा गा रही है, राधा इज सिंगिंग, ठीक है, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग, वह आ रही है, सी इज कमिंग, मेरे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, माई टीचर इज टीचिंग मी, ठीक है, टीचिंग मी, वह मैदान में दौड़ रहा है, ही इज रनिंग इन द फील्ड, तुम वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर, मिस्टर सेन श्यामपट पर लिख रहे हैं, मिस्टर सेन इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद है, तुम दिल्ली जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिल्ली, मैं वर्ग भवन की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द क्लासरूम, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, मैं उसके पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हीम, तुम मेरे पास आ रही हो, यू आर कमिंग टू मी। उसके बाद आ जाएगा, यह लड़की उसके पास जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस गर्ल इज गोइंग टू हीम। उसके बाद है, तुम उन लोगों के पास जा रही हो, तो यहाँ पर होगा यू आर गोइंग टू देम, वह हम लोगों के पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर होगा ही इज कमिंग टू अस, मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम कमिंग टू यू। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग पूरी देखेंगे नहीं और आप लोगों को कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो हमारा वीडियो बनाने का जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका दूसरा पार्ट लेकर के। हमने इसमें आपको एक्सरसाइज 17 का ए पार्ट बताया और आगे हम बताएंगे बी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।